नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। तो दोस्तों आज का वीडियो एक ऐसा है, मैं पुरुषों के लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो को, क्योंकि पुरुषों के लिए ये वरदान है। क्या चीज वरदान है? इलायची। तो पुरुषों के लिए वरदान है इलायची का सेवन। तो क्या क्या फायदे हैं इलायची के, आइए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। तो इलायची एक लोकप्रिय मसाला है जिसे अक्सर बिरयानी या खीर जैसे व्यंजनों का जायका यानी कि स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग इलायची का प्रयोग चाय बनाने में भी करते हैं। छोटे से आकार की इलायची को अपनी सुगंध और गुणों के लिए जाना जाता है। भारतीय आहार में इलायची का इस्तेमाल फ्लेवर के लिए किया जाता है। यह खाने की खुशबू को बढ़ाने का काम करती है। हर भारतीय रसोई में मिलने वाली इलायची केवल स्वाद और सुगंध के लिए ही नहीं होती बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं इस सुगंधित मसाले के फायदों के बारे में। मुंह की दुर्गंध, किसी तरह का संक्रमण, अल्सर, इन सब से इलायची बचाता है। सांसों में बदबू से बचने के लिए रोज इलायची खाएं। छोटी इलायची का सेवन रक्तचाप नियंत्रण में कारगर होता है। मानव शरीर में अधिकतर बीमारियां उच्च रक्तचाप के कारण जन्म लेती हैं। यदि आप भी प्रतिदिन 2 से 3 इलायची का सेवन करें तो जिंदगी भर आपका रक्तचाप नियंत्रित रहेगा। इलायची का नियमित रूप से सेवन करने से पुरुषों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाता है। इलायची के एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व मुंह का कैंसर, त्वचा के कैंसर की कोशिकाओं से लड़ने में कारगर साबित होते हैं। अगर किसी पुरुष को किसी बात की चिंता है या बिना बात के अकेलापन महसूस कर रहा है, लगातार ऐसा होने से आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तनाव मुक्त रहने के लिए इलायची बहुत मदद करती है। इलायची चबाने या इलायची वाली चाय पीने से हार्मोन तुरंत बदल जाते हैं और तनाव छुमंतर हो जाता है। तो इंसान में जो सेरोटोनिन और डोपामिन जो हार्मोन होते हैं वे इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स अगर आपके बॉडी में बैलेंस अच्छा है इन दोनों हार्मोन्स का, तो आपका शरीर स्वस्थ मजबूत रहेगा। तो दोस्तों आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इलायची का सेवन करता है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो घंटे का बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सीधे पहुंच सके। और मेरे मोबाइल के नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंचेंगे तो आप मेरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो धन्यवाद, नया वीडियो लेकर आऊंगा अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।